नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वे मुजरिम तक पहुंच ही जाते हैं। कोई भी मुजरिम कितना ही भागने की कोशिश करे, एक ना एक दिन वह पकड़ा जरूर जाता है। करनाल की CIA वन पुलिस ने अपनी सफलता का एक ऐसा ही परिचय देते हुए करनाल के घोगड़ीपुर में हुए गोली हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी रणदीप मान को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रणदीप मान बिजेंद्र सिंह मान का भतीजा है, जिसने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही चाचा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी इतना शातिर था कि उसने हत्या की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। घटना के बाद जब समाचार एक्सप्रेस की टीम खबर को करने कल्पना चावला मर्चरी हाउस पहुंची, तब आरोपी रणदीप ने खुद समाचार एक्सप्रेस को घटना की सारी जानकारी दी, ताकि किसी की शक की सुई उस पर ना घूमे। पहले आप भी सुनिए आरोपी कैसे बेखौफ हत्या करने के बाद गोलीकांड की कहानी बता रहा है। पहले आप भी सुनिए कि कैसे आरोपी रणदीप मान समाचार एक्सप्रेस को मामले की जानकारी दे रहा है। मैं पता लगा जी, उसका बजिंदर का तेरे अंकल का गोली मार दी, बस दो तीन बदमाश थे, उन्होंने 6-7 राउंड कर रखे। किस टाइम की वारदात? ये 10 बजे की वारदात है जी। तो मौके पे पुलिस आ गई थी? मौके पे लेट आई थी, बहुत एम्बुलेंस भी लेट आई और पुलिस वाले भी लेट आए। कोई दुश्मनी थी आपके चाचा की? कुछ भाई कुछ नहीं कह सकते इस बारे, किसी के से कुछ नहीं, किसी से ऐसा कोई मैटर। आपके चाचा जी गांव में रहते थे? बाहर गांव में भी रहते थे, बाहर भी रहते थे। बाहर अनमैरिड है, ये प्रॉपर्टी का ही काम करते थे। कहां? पंचकूला रहते थे? पंचकूला भी रहते थे, चंडीगढ़ भी। ये फ्लैट वगैरह लेता रहता था, रूम चेंज करते रहता था। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम रणदीप। रणदीप, क्या लगते हैं आपको? मेरे जी अंकल जी हैं। आपने सुना कि शातिर आरोपी कितनी चतुराई से घटना की सारी जानकारी समाचार एक्सप्रेस को दे रहा है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वे मुजरिम तक पहुंच ही जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद आज पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस टीम ने मामले में मुख्य आरोपी रणदीप मान को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर मुजरिम की चतुराई पुलिस की समझदारी के आगे छोटी रह गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात के बाद फरार होने के लिए प्रयोग की गई कार भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि वारदात में आरोपी का एक अन्य साथी विशु मान निवासी घोगड़ीपुर भी शामिल था, जिसे भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपी को माननीय अदालत के सामने पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। वह पुलिस ने बताया कि आरोपी विशु मान के खिलाफ कई जिलों में पहले भी हत्या, लूट, चोरी व स्नैचिंग के कई मामले दर्ज हैं। देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक खास रिपोर्ट। कि कुछ दिनों पहले जो घोगड़ीपुर गांव है हमारा, वहां पर एक व्यक्ति की सुबह के टाइम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस टाइम वो अपने फार्म हाउस के अंदर था। तो उसमें जैसे था बिल्कुल, तो घर वालों की तरफ से भी था। उस व्यक्ति ने शादी नहीं की थी, तो उस बारे में हम काफ़ी कुछ चेक कर रहे थे, और उसमें भी अभी हम हमारी CIA1 की टीम ने उसको भी ट्रेस कर दिया है, और मारने वाला उसी का एक रिश्तेदार निकला है। तो भतीजा है रणदीप मान जिसने हत्या की है? तो सर उसी ने FIR भी दर्ज करवाई थी क्या, गुमराह करने के लिए पुलिस को FIR दर्ज करवाई? मैं अभी सारी डिटेल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि अकेले उसका काम नहीं है, कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल है। वजह क्या रही सर? वजह तो अभी बेसिक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें तो वजह सिर्फ यही आई है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण ये सब वारदात हुई। तो पहले भी कभी इनका आपस में कोई विवाद हुआ था छोटा मोटा? वो अभी हम डिटेल पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद जब भी आएगा तो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको। तो आरोपी कहाँ रहता था सर? ये आरोपी भी यहीं रहता था। तो एसेंट गाड़ी जो बरामद हुई है उसी की थी? मैं अभी आपको डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा कि इसकी थी या किसी और की थी, क्योंकि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं सर, दो केस ट्रेस किए हैं CIA ने? ये तो हमारी, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे अस्पताल के नेतृत्व में लगातार पिछले 2 साल में JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।